आज रांची में चंपई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण, विधानसभा की कार्यवाही जारी। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार का शक्ति प्रदर्शन, चर्चा के बाद होगी वोटिंग। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए, ईडी टीम लेकर आई विधानसभा। विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, देश में पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई, मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल। हेमंत सोरेन ने कहा, मेरी गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से हुई, 31 जनवरी देश के लोकतंत्र में काली रात। आज संसद में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। यूपी विधानसभा में पेश हुई राज्य का बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर, अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़, महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए। बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया, मुख्यमंत्री की सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का ऐलान। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए यूपी सरकार का तोहफा, छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए का इंतजाम। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने से पहले अपने घर पर पूजन, तो आज से विधानसभा का बजट सत्र। वही 12 फरवरी को नीतीश साबित करेंगे बहुमत, पिछले दिनों बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। हैदराबाद पहुंचे बिहार के कांग्रेस विधायक, राजनीति में क्या कुछ होगा खास, देखने वाली बात। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के आसपास सुरक्षा को बढ़ाया गया, पुलिस के जवान तैनात। आज से असम में भी बजट सत्र की हुई शुरुआत, दिसंबर में विधानसभा में शुरू हुई कार्यवाही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की आज झारखंड के रामगढ़ से हुई शुरुआत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। राहुल गांधी के बाबा वैद्यनाथ धाम जाने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, कहा रूम में टोपी और रोड पर तिलक का ड्रामा अब बहुत दिन चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, कहा बीमार होने पर राम भद्राचार्य को राम मंदिर जाना चाहिए लेकिन इलाज कराने पहुंच गए अस्पताल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा विज्ञान में जो ताकत है, अगर वो राम में होती तो राम भद्राचार्य बीमार होने पर राम के यहां नहीं गए होते। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से शंकराचार्य समारोह में नहीं आए। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार का रुख सख्त, संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी एलआईयू। प्रदेश में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी सरकार ने तैयारी की, 22 फरवरी से 9 मार्च तक है यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा। धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश। यूसीसी ड्राफ्ट में बहुविवाह पर सख्ती, लड़कियों को समान अधिकार पर जोर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई, मस्जिद कमेटी की ओर से कमिश्नर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट में वजूखाने के सर्वे के फैसले के खिलाफ भी याचिका।